का घर सेक्टर 91 मोहाली के अंदर प्राइम लोकेशन के अंदर। पहले देखिए आप इसकी ग्लिम्स, फिर चलेंगे इसके अंदर। कितने सुंदर ग्लिम्स है। अब ये जो सेक्टर 91 मोहाली का प्राइम लोकेशन पे घर है, और आपको जो भी ग्लिम्स में चीज़ें दिख रही थी ना कि फर्नीचर एंड ऑल, वो इसी तरीके से आपको मिलेगा। अगर जो आपने इसको खरीदना है तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे अभी कॉल कीजिए, मैं आपको इसको खरीदने की और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको न्यू वीडियोज़ दिखाता रहूँ। अब देखिए इसके साइड व्यूज़, ये साइड व्यूज़ कितने सुंदर है। मतलब ये प्रॉपर मेंटेन्ड एरिया है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एरिया आपको इसी तरीके से दिया जाएगा विद गार्डन एंड ऑल। देखिए आप इसके साइड व्यूज़ को। सुंदर है। अब यहाँ पर हमारा तकरीबन 30 फुट का चौड़ाई में इसका फ्रंट है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर हमारी दो गाड़ियाँ घर के आगे ही पार्क हो जाएंगी। प्रॉपर हमारा यहाँ पर एरिया दिया गया है पार्किंग का। आजकल इशू सबसे बड़ा पार्किंग का ही है किसी घर के सामने, तो ये पार्किंग का दे रखा है। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर स्टील का गेट है, स्टील का गेट विद WPC, बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल्स ऑफ लैंडेड गोइंग अहेड एंड वॉच व्हाट इट हैज़ टू डिलीवर। एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल पॉश। यहाँ पर हमारा ऑरेंज कलर का ग्रेनाइट है ना, उसका बहुत ही सुंदर वर्क किया गया है विद ब्लैक के साथ में, अच्छी पार्टीशन जो कर रखी है। साथ में यहाँ पे हमारा रस्टिक पेंट किया गया है, पूरे के पूरे जो फ्रंट एलिवेशन के ऊपर रस्टिक पेंट है, ये ख़राब नहीं होता फ्यूचर में। और साथ में ये जो देखिए प्रॉपर टफ एंड ग्लास का काम है, यहाँ पर प्रॉपर हमारी ड्राइंग रूम एरिया, तो यहाँ पर टफ एंड ग्लास का काम है। साथ में ही अच्छी लाइटिंग का वर्क है, अमेजिंग व्यूज़ के साथ में आप देखिए। एरियाज को अब ये हैं जो यहाँ पे प्रॉपर फॉयर एरिया आता है सेंटर में, जो हमारा पॉश एरिया है। यहाँ पर भी अच्छा पार्टीशन, देखिए वुडन पैनलिंग का अच्छा काम किया गया है, इसी तरीके से आपको प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पर भी पीछे डोर कितने सुंदर है, मतलब पूरा का पूरा पार्टीशन जो किए हुए ग्लास पार्टीशन के साथ में है। यहाँ पर ग्रीन कलर का ग्रास रखा हुआ है, और साथ में यहाँ पर हमारा जो स्विंग रखा हुआ है, तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ के साथ में है। घर के बारे में हमारा मेन गेट बहुत कुछ बता रहा है। ये तकरीबन 3 फुट चौड़ाई में 8 फुट लंबा डोर आपको टीक वुड में इसी तरीके से मिलेगा। अब चलेंगे इस घर के अंदर। फिर जैसे ही हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल लिविंग लॉन्ज एरिया, मतलब बहुत ही शानदार लॉन्ज एरिया। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारी प्रॉपर डाइनिंग एरिया रखा हुआ है कि यहाँ पे हमें डाइनिंग टेबल आ सकता है। और साथ में ये जो हमारी स्टेयर्स जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रही हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पर हमारा सिर्फ एक ही बेडरूम है। बहुत ही खुला डिटा काम किया गया है इस घर में। अब ये लॉन्च एरिया प्रॉपर यहाँ पे हमारी सीटिंग रखी गई है। साथ में ही हमारा यहाँ पर आ जाता है LED पैनल का डिज़ाइन, LED पैनल आप इधर से लगा सकते हैं, तो आपको जो भी इस चीज़ में दिख रहा है विथ ऑल ACs एंड ऑल आपको इसी तरीके से मिल सकते हैं। यहाँ पे टफ एंड ग्लास के साथ हमारा पार्टीशन किया गया है हमारे ड्राइंग रूम एरिया का, तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं। और साथ में ही हमारा बैक में पूजा रूम आ जाता है। हमारे घरों में बहुत कम रहता है कि पूजा रूम है, तो यहाँ पर पूजा रूम भी पहले से ही आपको दिखाया गया है। अब देखिए इसके व्यूज़ को, फिर हम चलेंगे पूजा रूम की तरफ। जो लॉन्च एरिया के साथ में आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम एरिया, ये बिल्कुल ही अलग से किया हुआ है हमने विद पार्टीशन ऑफ ग्लास। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो चीज़ें आपको इस घर में अंदर दिख रही हैं वो आपको एज इट इज़ ही मिलेंगी। अगर जो आपने इसको खरीदना तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कीजिए। अब ये देखिए आ गया हमारा ड्राइंग रूम एरिया, देखिए कितना खुला डिला ड्राइंग रूम एरिया। यहाँ पर 12 सीटर हमारा सोफ़ा पड़ा हुआ है, एल शेप में सोफ़ा, जो मैं आपको टफ एंड ग्लास बाहर से दिखा रहा था वो यहाँ से नज़र आएगा आपको। प्रॉपर शैंडलियर का वर्क है, अमेजिंग विद ACs एंड ऑल पहले से ही फिटेड हैं। अमेजिंग व्यूज़ विद नीचे वुडन की फ्लोरिंग आप देखिए।
ड्राइंग रूम के बाद हम चलते हैं इसके पाउडर रूम की तरफ। हमारे घरों में कि गेस्ट आते हैं तो हम अपने बाथरूम कहाँ पे रखें, तो ये पाउडर रूम अलग से ही दिया गया है, छोटा सा है लेकिन ये आपको इसी तरीके से मिलेगा। देखिए बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कटनी का सुंदर वर्क किया हुआ है, पूरा का पूरा मार्बल जो कटनी मार्बल है महंगे वाला वो लगाया हुआ है, इसको इंडियन इटालियन भी बोलते हैं। और साथ में ही हमारी आ जाती है किचन, किचन जो कि एक वर्टिकल किचन है। यहाँ पर हमारा ड्राई एरिया और वेट एरिया का बहुत ही डिफरेंस रखा गया है। अब ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया है, आपको इसी तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर देखिए सिंक एरिया, तो वेट एरिया ड्राई एरिया बहुत खुली खुली किचन है, वर्टिकल के अंदर किचन है, अमेजिंग व्यूज के साथ में गैस पाइपलाइन हमारी बाहर तक जा रही है, तो गैस हमारी बाहर सिलेंडर बाहर रखा जा सकता है, तो अच्छा काम किया गया है विद अच्छी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन। देखिए बैक कोर्ट यार्ड हमारे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हम वॉशिंग एरिया कर सकें या फिर अलग से हमारा जो भी एसी के डक्स एंड ऑल है वो रख सकें। तो यहाँ पर वॉशिंग एरिया हमारा प्रॉपर है, यहाँ पे अलग से वॉशिंग एरिया हमने बनाया गया है, यहाँ पर प्रॉपर कपड़े सुखाने के लिए प्रॉपर जगहें हैं, तो अमेजिंग व्यूज़ हैं। चले देखेंगे इसको भी। फ्रेंड्स आपने देख लिया इसके किचन एरियाज़ को, अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम को। देखिए कितना खुला ढीला बेडरूम है, ये किंग साइज़ बेड से भी बड़ा बेड है, मतलब किंग साइज़ बेड बड़ा हुआ है। यहाँ पर तकरीबन 6 इंची का तो इसका सराहना ही है, तो बहुत ही अमेजिंग बेड का भी है। और साथ में पर्पल कलर का यहाँ पे वॉलपेपर लगा है, पर्पल कलर का ही यहाँ पर बेड रखा हुआ है, तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ है। साथ में ब्लू और अच्छा पर्पल कलर की हमारा पर्दे हैं, सब अमेजिंग व्यूज़ हैं। और साथ में ये देखिए हमारा LED पैनल कितना शानदार व्यूज़ के साथ में है, तो आपको फ्रेंड्स इसी तरीके से ये पूरा का पूरा मिलेगा। आप देखिए इसके व्यूज़ को, साथ में ही आ जाता है इसके अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया, तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे स्लाइडिंग डोर्स के साथ आपको इसी की मिलेंगे। और साथ में अटैच वॉशरूम है, देखिए आप इसको। फ्लोर यहाँ पर हमारा ड्राइंग डाइनिंग किचन और फर्स्ट एक बेडरूम है, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 बेडरूम्स है, तो बहुत खुला ढीला घर बनाया गया है 200 गज के अंदर। ये जो स्टेयर्स हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर को जा रही हैं, यहाँ प्रॉपर स्टील की रेलिंग लगी हुई है, प्रॉपर यहाँ पर स्टील का यहाँ पे ग्लास का भी सुंदर वर्क है, तो हम चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ पर 2 बेडरूम्स दिए गए हैं, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। और ये यहाँ पर लॉन्च एरिया है, बहुत ही खुला ढीला लॉन्च एरिया है, यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज के लिए रखी गई है, और यहाँ पे लॉन्च एरिया है प्रॉपर अमेजिंग व्यूज़ के साथ में। आप देखिए यहाँ पर अच्छा वॉलपेपर का भी काम है, अमेजिंग व्यूज़ देखिए। फ्रेंड्स आपने देख लिया इसका लॉन्च एरिया, आप ये देखिए फर्स्ट बेडरूम के अंदर देखिए कितना खिला डुल्ला बेडरूम है। यहाँ पर हमारा किंग साइज बेड रखा हुआ है, पीछे अच्छा वॉलपेपर का काम किया गया, अमेजिंग हमारी लाइटिंग का भी काम है, तो बहुत ही सुंदर जो बच्चों का रूम है इसी तरीके से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अमेजिंग व्यूज़। और साथ में एल शेप में जो आजकल के डिज़ाइन चल रहे हैं वो एल शेप में आपको विंडो पूरा का पूरा इसके अंदर नज़र आएगा, और यहाँ पर भी अच्छा
पैनलिंग का काम किया गया है, प्रॉपर हमारा यहाँ पर भी टीवी का सेट रखा हुआ है, तो अमेजिंग व्यूज, अच्छे व्यूज देखिए। इसके साथ ही आ जाता है हमारा अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम। अब ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर हमारे सारे के सारे स्लाइडिंग डोर्स के साथ दिए गए हैं, क्योंकि जब हमारे दोनों साइड हमारे स्लाइडिंग डोर्स हो जाएं तो फ़ायदा रहता है, जब खोलेंगे तो भिड़ेंगे नहीं आपस में, तो ये दोनों के दोनों साइड स्लाइडिंग डोर्स के साथ है, ऊपर तक हैं। और साथ में ही आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, यहाँ पर ब्लैक टाइलिंग और वाइट ब्राउन टाइलिंग का अच्छा सुंदर वर्क है। जाती है हमारी फ्रंट बालकनी, यहाँ पे भी बहुत ही खुला ढीला बालकनी एरिया। देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हैं बालकनी एरिया, कितना खुले ढीली बालकनी है। यहाँ पे अपनी शाम को चाय पीजिए तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ भी हैं। ये बहुत ही खुला ढीला एरिया है सेक्टर 91 मोहाली का। और ये देखिए एल शेप की जो विंडो मैं दिखा रहा था अंदर से, वो इस तरीके से आपको दिखेगी, वो इस तरीके से। और प्रॉपर स्टील रेलिंग का यहाँ पे सुंदर वर्क किया गया है। स्टील रेलिंग ये होती है कि फ्यूचर में आपको मेंटेनेंस फ्री रहती है, तो मतलब यहाँ पे जंग जुंग नहीं लगता, तो अच्छा काम किया गया है। ग्रीन एरिया भी नज़र आएगा आपको, देखिए। थर्ड बेडरूम के अंदर देखिए कितना खुला ढीला बेडरूम है ये भी। यहाँ पर हमारा किंग साइज बेड रखा हुआ है, यहाँ पे कितना सुंदर वॉलपेपर का काम है, यहाँ पे कर्टन्स भी आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे अमेजिंग व्यूज़ के साथ में। और साथ में ही आ जाता है हमारा अटैच्ड जो ये मतलब प्रॉपर LED पैनल का डिज़ाइन है। देखिए कितना सुंदर LED पैनल का डिज़ाइन है, लाइटिंग बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है आपको कैमरे के अंदर, तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। साथ में ही अटैच वॉशरूम और ड्रेसिंग एरिया आप देखिए। इसके साथ ही आता है हमारा अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम, जो कि एक स्लाइडिंग डोर के साथ में है, और वॉशिंग एरिया भी प्रॉपर यहाँ पे एरिया है, देखिए आप। सेक्टर 91 मोहाली के अंदर 200 गज का घर बहुत ही शानदार लगा। अगर जो फ्रेंड्स आपने इसको फिजिकली विजिट करना है तो नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको इसको फिजिकली विजिट करने की और खरीदने की हेल्प कर सकता हूँ। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।